गाइस लास्ट प्री एप से स्वागत आपका। ये यमुनानगर है फ्रेंड्स, और आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। इस मार्केट का नाम है चौक बाजार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वी रन रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर ड्रग एडिक्ट्स और एल्कोहलिक्स, और हम लोग यहाँ पे अपनी कार की सर्विसिंग के लिए आए हुए थे, तो पता चला कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा, यहाँ हमारे एक फ्रेंड है, उनके दोस्त की भी अपनी कोई फैक्ट्री है बर्तनों की, तो उसी वजह से हम बर्तन की मार्केट में आ गए यहाँ पे। ये यमुनानगर की बर्तन मार्केट है बेसिकली, और यहाँ पे हर एक जितने भी ये शॉपकीपर्स दिख रहे हैं आप लोगों को बर्तन वाले, इन सब के पास अपनी अपनी जो है फैक्ट्रीज है यहाँ पे। तो यमुनानगर शायद मेरे ख्याल से इस एरिया का एक काफ़ी लार्जेस्ट पॉट मैन्युफैक्चरिंग हाथ रखता होगा, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है, क्योंकि लगभग 4-5 दुकानदारों से बातचीत करी तो सभी लोग फैक्ट्री ओन करते हैं अपनी, यूटेंसिल वगैरह बनाने की जो भी है। तो हमने भी सोचा कि कोई बर्तन खरीद लिया जाए यहाँ से। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं हमने कौन सा बर्तन खरीदा है। उस दुकान से हमने एक पॉट खरीदा है सामने से, भारत मेटल से, पीतल का, यहाँ से खरीदा हमने। अब वो जो पीतल का बर्तन है उसमें बताते हैं कि उसमें डायरेक्ट कुकिंग नहीं होता है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से खट्टे के साथ कुछ रिएक्शन कर जाता है। तो फिर यहाँ पे ये पुराने कारीगर हैं यहाँ पे, ये उसके ऊपर कोई कली करते हैं, कली, अब भगवान जाने कली क्या होता है, वो करके देंगे ये हमें। अभी उसका प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। ये पॉट लिया हम लोगों ने, अब इस पर कली होगी, ये दे दो इसे भैया को। कलई इसलिए होती है ताकि ये रिएक्ट ना करे खट्टे के साथ, सिट्रस के साथ। उनको अंकल के पास किसी ने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि नशा छुड़वाने के लिए जो है कोई दवाई वगैरह आती है बाजार में, यही बोल रहे हैं ना आप? हाँ, वो लेने जाए जाओ, जो कंपनी से मंगवाए उसका क्या चार्जेज है? नशा छोड़ने की कोई दवाई नहीं होती दुनिया में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर नशा बंदी नशा मुक्त ये क्या बेचनी है? हम दवाई नहीं बेचते, हमारे वहाँ कोर्स होता है, पढ़ाई लिखाई होती है पूरी। हाँ, वो तो बुद्धू बना रहे हैं। देखो गाइस, ये कलाई होनी स्टार्ट हो गई है, अंकल जी कर रहे कलाई, पता नहीं क्या डाला इन्होंने, कुछ दवाई डाला इसमें। ये तजाब है कि सफाई करने की। अच्छा, पहले एसिड से इसकी सफाई हो रही है। यूट्यूब पे देख लो। हैं? ना क्यों देखे, हम तो अपना यूट्यूब बनाते हैं जी। अच्छा, बहुत पुराने साहब लोग हैं दोस्तों, बहुत पुराने दोनों व्यक्ति बहुत पुराने हैं, और काफ़ी सालों से यही काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस पूरी मार्केट का यही काम देखते हैं बेसिकली। बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं वो, थोड़ा सा भी उसके अंदर कोई गंदा वंदा का नहीं रहने दे रहे हैं, क्योंकि 500 रुपीज़ उन्होंने बोला कि उस काम के लेंगे वो कलाई करने के बेसिक। हाँ, अभी ये शब्द समझ में आया फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है कली नहीं बोलते इसको, बोलते कलाई, कलाई, ये कलाई कर रहे हैं इस टाइम पे इसके। Yeah, I'm gonna move to
तली जगह अभी डालूंगा। ये गाइस अभी इसके ऊपर जो है बर्तन को भाई साहब ने जो है उल्टा रख दिया है, उसके अंदर की जब से गैस जल रही है तो गर्म हो गया अभी, फिर देखते आगे क्या प्रोसेस होता है। और भाई जी कह रहे हैं कि इनका तो जो है यूट्यूब पे पहले भी काफ़ी नाम है बर्तन कला ही यमुनानगर जगाधरी करके, इनसे अभी बात हुई मेरी। पुराने आदमी हो, बहुत पुराने सज्जन आदमी हो बहुत। कोई चांदी टाइप का मटेरियल है बारीक सा, उसको कुछ केमिकल के साथ अंदर की तरफ गर्म करके उसका पॉलिश हो रहा है बेसिकली, या बोलते कला ही होना। अभी थोड़ा सा इफेक्ट दिखा देता हूँ फिर वीडियो क्लोज करूँगा गाइस। तो गाइस यही था हमारा वीडियो कलई, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं इस पे बिरयानी पे। आज फिलहाल के लिए यार फोन का बैटरी भी ख़त्म हो रहा है, तो बर्तन का जो मेन फोटो है वो मैं थंबनेल बना दूंगा। और किसी को बड़े स्केल पे अगर बर्तन चाहिए तो यहाँ ऑर्डर कर सकता है, और किसी को नशा मुक्ति में भर्ती कराना हो तो मेरे को कॉल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच गाइस।